राम विवाह संपन्न होता है, माता सीता अयोध्या पहुंचती है, उनका स्वागत होता है। अब एक नया मोड़ आने वाला है, किसे युवराज बनाया जाए इसके बारे में चर्चा करना है। महर्षि विश्वामित्र के अनुसार अभिमान नहीं करना चाहिए, धन दौलत पद का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, इससे हमें हानि पहुंचती है। दान दक्षिणा का भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसा कि महर्षि वशिष्ठ के बारे में बतलाया गया कि वो जल्दी क्रोधित नहीं होते थे, इसलिए वो हमेशा पूजे जाते रहे हैं। अब युवराज किसे बनाया जाए, किसे राजा का दायित्व दिया जाए, महाराज दशरथ सभी देश के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति राजाओं को बुलाकर चर्चा की गई और बात हुई श्री राम को राजा बनाने की। इस तरह से एक नया मोड़ हुआ। महारानी कैकेयी और मंथरा की बात तो सभी जानते हैं। मंथरा ने एक ऐसा जहर घोला जिसके कारण रामायण में श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा और रावण से युद्ध करना पड़ा। इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि जो चापलूस होते हैं उनका बात पर हमें नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब श्री राम को राजा बनाने की बात हुई तो श्री राम ने कहा कि चारों भाइयों में बराबर बंटवारा होना चाहिए। देखिए कितना आदर्श है श्री राम। जब वनवास की बात हुई तो भाई भरत 14 वर्ष तक सिंहासन पर नहीं बैठे, ये है भाई का चरित्र। इस तरह से देखा जाए तो धन दौलत के लिए आज गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो, अपने आप में लड़ाई कर परिवार को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। हमें रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह चारों भाइयों ने एक समाज में योगदान दिया है और जब तक हम उस तरह का कार्य नहीं करेंगे तब तक परिवार और समाज का बिखराव होगा। इस तरह से देखा जाए तो हमें रामायण देखकर अपने आप को उस अनुरूप में कार्य करने की आवश्यकता है। जय श्री राम।